हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th के री एग्ज़ाम को लेकर सीबीएसई ने आज अपनी फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों सीबीएसई ने उन तमाम बातों को बताया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, री एग्ज़ाम से संबंधित है। मसलन एग्ज़ाम कब होंगे, किस आधार पर होंगे, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन इसमें अपियर कर सकता है, कंपार्टमेंट में आप कितने एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, वो सारी बातें दोस्तों जो री एग्ज़ाम से संबंधित हैं। बट इस नोटिफिकेशन में दोस्तों सीबीएसई ने कहीं भी उन स्कूलों का जिक्र नहीं किया है, उस भेदभावपूर्ण नीति का जिक्र नहीं किया है जिसके आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव किया गया है। उन स्कूलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है जिन्होंने बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से उनके नंबर कम किए हैं, उनके साथ भेदभाव किया है। आशा की जा रही थी कि सीबीएसई उनके बारे में ज़रूर बात करेगी, बट नहीं करी दोस्तों। मैंने आप सभी से पहले कहा था दोस्तों, अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। एक विद्यार्थी के साथ जिसके साथ भेदभाव किया गया है, वही अगर लड़ेगा, अकेले लड़ेगा, तो समाज में उसको सुनने वाला कोई भी नहीं होगा दोस्तों, जब तक हम एक साथ ना हो जाएं, एक साथ ना खड़े हो जाएं। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है, जो बहुसंख्यक होता है, उसी की बात मानी जाती है, आप सभी को पता है। दूसरी बात, चलो सीबीएसई ने कहा कि अगर आपके साथ भेदभाव हुआ है और यदि आप रिजल्ट से अनसेटिस्फाई हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए जो टाइम दिया गया वह है सिर्फ 15 दिन, यानी 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच एग्ज़ाम किया जाएगा। अब 15 दिन में दोस्तों किस आधार पर हम पूरे सिलेबस की तैयारी करेंगे। मान लेते हैं अगर एग्ज़ाम के समय और दिया जाता तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे, बट 15 दिन में कतई भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा होगा तो वो एक सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा इन 15 दिनों में। बट अगर मान लो कोई बच्चा पूरे मेन सब्जेक्ट के री एग्ज़ाम देना चाहता है तो कैसे एग्ज़ाम में की तैयारी करेगा। पहले तो दोस्तों बच्चों का दिमाग वैसे ही ख़राब था, पहले एग्ज़ाम के कैंसिलेशन को लगातार बच्चों का दिमाग बटा हुआ था, फिर रिजल्ट आने को लेकर अब रिजल्ट आने के बाद और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है। सीबीएसई को ये करना चाहिए था दोस्तों कि जिस भेदभावपूर्ण तरीके से स्कूलों ने रिजल्ट तैयार किया है उसके संज्ञान लेते हुए बच्चों का दोबारा से रिजल्ट तैयार किया जाए जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आया है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास अगर मैं बात करूँ, कम से कम 1000 से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों ने अपने रिजल्ट के साथ, जहाँ रिजल्ट के साथ, यानी क्लास 10th में कितने रिजल्ट हैं, क्लास 11th में कितने रिजल्ट हैं और क्लास 12th में कितने रिजल्ट दिए गए, उनके साथ कमेंट्स किए हैं। तो ये क्या उन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है? वो बच्चे री एग्ज़ाम क्यों दें? क्योंकि रिजल्ट तो खराब स्कूल की वजह से हुआ है, रिजल्ट खराब स्कूल की वजह से हुआ है तो बच्चे उसका भुगतान क्यों करें? सीबीएसई और स्कूल का कहना है कि, इवन स्कूल भी कहा है कि बच्चों का जो मार्क्स है उन्होंने अच्छे दिए, बट स्कूल का जो रेपुटेशन है वो ख़राब है और स्कूल के रेपुटेशन के ख़राब होने की वजह से ही बच्चों के मार्क्स कम दिए गए हैं, यानी बच्चों के मार्क्स जो है सीबीएसई ने काट लिए। तो मैं सीबीएसई से पूछना चाहता हूँ बस सिंपल तरीके से एक छोटी सी बात, कि स्कूलों द्वारा और पिछले साल के जो रिजल्ट थे उसका भुगतान 2021 में क्लास 12th के बच्चे क्यों उठाएं? तो ये सिर्फ सवाल है दोस्तों। और अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छे नंबर से पास होना है और इस एग्ज़ाम को नहीं देना है और बिना एग्ज़ाम दिए अपने आप को नंबर को सुधारना है, तो आप सभी को एक साथ आना होगा। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि आप जो है स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ ये घटना होती तो आज आप भी यही कहते हैं, क्योंकि आपको अच्छे नंबर मिले हैं तो आप कह सकते हो कि नहीं, सब चीज़ फेयर तरीके से किया गया है। वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही सब जानता है, यानी कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि दोस्तों आप इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा बात उसी की मानी जाती है दोस्तों, जो जनसंख्या और संख्या बल में ज़्यादा होता है। चलो मान लिया आप में से बहुत से बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे नंबर ले आ सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आप अच्छा कर सकते हैं तभी री एग्ज़ाम दीजिएगा। बट अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह है एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो दोस्तों मैं आपसे यही सलाह, आपको यही सलाह दूंगा कि आप एग्ज़ाम ना दें। क्योंकि आपका जब पूरी तरीके से तैयारी नहीं है और आपको पूरी तरीके से मन तैयारी नहीं है तो आप एग्ज़ाम में कैसे अपेयर हो सकते हैं। बस यही कहना था दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अगर ये वीडियो वायरल होगी तभी सभी बच्चों तक पहुँचेगी और तभी सरकार हमारी सूद लेगी। बस यही कहना था दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।